हर कोई यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर केसेस से बचने का तरीका बताते हैं या केसेस लगने के बाद होने वाले नुकसानों की बात करते हैं और फिर उनसे बचने के तरीके निकालते हैं, पर कोई आपको यहां पर यह नहीं बताता है कि झूठे केसेस लगने के फायदे ज्यादा हैं। अगर वो फायदे समझ गए तो केस से बचने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, केस खत्म करने का तरीका आ जाएगा और उस केस से बहुत सारे फायदे आप निकाल सकते हैं अपने जीवन के अंदर। पर क्या है कि इस तरह की चीज की पहल क्यों नहीं की गई आज से पहले, जब मैं आज आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूं? क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि आप उनसे काउंसलिंग ज्यादा ले लें या उनके दूसरी सर्विसेज ज्यादा ले लें, पर यह नहीं चाहता है कि आप जल्दी केस से बाहर आ जाएं। पर मैं फायदे इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके केसेस से निकलने के चांसेस ज्यादा आप बना सकते हैं। आप पर स्पेशली 490 डे अगर झूठा लगा हुआ है तो वो तो ये समझ लीजिए लॉटरी है, लॉटरी, बम्पर लॉटरी। मतलब अगर उसको सही तरीके से आप डील कर गए तो आप पुलिस से पैसा ले सकते हैं। हां, ये गप समझ के आगे मत बढ़िएगा, ये सच में पुलिस से आप पैसा ले सकते हैं, अपनी बीवी से अपनी फैमिली को पैसा दिलवा सकते हैं और गलती से अगर आपका मेंटेनेंस चला गया है तो वो भी रिकवर करा सकते हैं। ये चीजें इन सारे फायदों में जुड़ी हुई है। आज का जो वीडियो है वो इसी बात पे रुका हुआ है और अगर इस बात को समझने के लिए आप भी यहां रुकते हैं तो फायदा तो आपके ही हक में होगा पूरा वीडियो देखने में, पॉइंट वाइज है सारी बातें। एक और चीज इसके अंदर लास्ट में यह भी समझना जरूरी है कि क्या बीवी को जेल भेजने का स्कोप है, तो वो तो है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी है कि आप अगर बच्चे की कस्टडी के लिए जा रहे हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी चाइल्ड कस्टडी जैसे झूठे केस लगाने की या फालतू के टाइम पास वाले केस लगाने की, आप इधर से फायदा लेकर अपना बच्चा वापस ले लेंगे। चलिए समझने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तो चाहते हैं हम आपको कि आप एजुकेटेड हो जाए और एजुकेटेड आदमी जो तूफान खड़ा कर सकता है ना, वो एक ना समझ आदमी खुद के लिए बवाल खड़ा कर देता है। एजुकेटेड आदमी को सबसे बड़ा फायदा लीगल में समझ पैदा होने की वजह से टेक्निकल पे होल्ड होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनकी बनानी आ जाती है टेक्निकल की जानकारी होने के बाद, टेक्निकल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और ऐसा आपसे पहले जो हमारे केसेस के लिए कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं बंदे, उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है, बूस्ट कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल बहुत जबरदस्त है उन लोगों की, अब लाइफ को बहुत पॉजिटिव तरीके से जी रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, वो गंदे कपड़े पहनकर कोर्ट में नहीं जाते जैसा कि गलत सजेशन दिया जाता है और दाढ़ी बढ़ा के बाल बिखरे भी नहीं जाते, कॉन्फिडेंट जाते हैं, सॉलिड जाते हैं और अपने रिजल्ट पे मेहनत करते हैं, स्वांग नहीं करते, बहुरूपिये नहीं बनते कोर्ट के, जो है वो दिखाई देते हैं, इससे उनकी बीवी का भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अगर आप इस तरह के लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली आपके केस को दिमाग में रखते हुए हम ये कोर्स डिजाइन करते हैं जो सिचुएशन बेस्ड होता है, जैसी सिचुएशन आती है वैसे वैसे इस कोर्स के अंदर डिजाइनिंग्स बनती है, आपको एडवाइस मिलती है, आपको गाइडलाइंस मिलती हैं, जजमेंट्स के आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, केस लॉ की बहुत बारीकियां बताई जाती है और सबसे मजेदार बात प्रैक्टिकल सिचुएशन को हैंडल करना सिखाते हैं। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल मांगिए और फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बारे में मन बनाइए। आप किसी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए इसी नंबर पर, बुक कराइए, दिए हुए टाइम पे मेरा कॉल आएगा, बात होगी आपसे और समाधान करने की कोशिश की जाएगी। आते हैं सीधे सीधे आज के मुद्दे पर। देखिए 490 झूठा लग गया, आप बच रहे हैं, भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, बंद कीजिए सब, या बच रहे थे, भाग रहे थे, छिप रहे थे, कोर्ट में गिर पड़ गए, केस पहुंच गया, बंद कीजिए उसे, जो आगे मैं बताने जा रहा हूं। हिम्मत दिखाइए सबसे पहले, वो क्या होती है, वो कुछ नहीं होती है, कानून की सही परिभाषा को पकड़िए, क्योंकि जो आदमी आपके साथ गलत करना चाहता है या गलत करेगा वो आपको कानून की परिभाषा का मजाक उड़ाते हुए दिखेगा, ये बोलेगा कि जो कानून की परिभाषा आपको समझ में आई है वो गलत है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आपकी लाइफ से ही, कि आप किसी चीज को बना रहे हैं तो पहले उसे पेपर पर बनाते हैं, साइंस का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए,
पहले वो केमिकल रिएक्शन पेपर पे होता है, फिर उसको वहां से देख के कितनी क्वांटिटी कहाँ से मिलानी। सब्जी बना रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, वो कहते हैं 5 ग्राम ये डालिए, 10 ग्राम ये डालिए, 20 ग्राम ये डालिए, टेस्ट आता है। कभी कभी हमसे हाथ ऊपर नीचे हो जाता है, वो अलग बात है, केसेस में भी ऐसा होता है। पर केस का मतलब ये नहीं कि जिस डेट पर आपके उसी दिन फैसला हो जाएगा। अगर गलती हो भी गई तो आगे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अब इस बात का घबराहट बंद कर दीजिए, आते हैं सीधी बात पे। 498 से आपकी बीवी ने एक बेवकूफी कर दी, झूठा केस आपके लगा दिया और उसमें दुनिया भर के झूठ बोले, कैरेक्टर असैसिनेशन आपका किया है। तो कैरेक्टर असैसिनेशन जब आपका किया, यानी चरित्र हनन आपका किया है, डाल दीजिए मानहानि का मुकदमा। अब अक्सर लोग ये कहते सुनते मिल जाते हैं कि साहब हमने कोशिश की थी, पर ज्यादातर कोर्ट में यही कहा जाता है कि नहीं अभी स्टेज पे नहीं सकता, ये ट्रायल का विषय है। तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, आप खुद कोशिश कर लीजिए, जिन विशेषज्ञों ने आपको ये राय दी है आप खुद करके कोशिश देख लीजिए। आपकी बीवी ने अगर वहां पर दहेज का केस लगाया है, ये पॉइंट नंबर 2 है, दहेज का केस वहां लगाया, दहेज दहेज वर्ड यूज किया, तो अपनी सिटी से DB3 डाल दीजिए, फायदा है। तीसरी चीज, अगर आप 498 को जैसे आने वाले पॉइंट्स में भी समझें या मेरे कुछ और वीडियोस देखें जैसे 498 के सॉल्यूशंस हैं, तो अगर आप 498 में एक्विटल हो जाते हैं, निर्दोष साबित हो जाते हैं क्वेश्चन से या डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट के अंदर भी आप सही तरीके से उसको लड़ते हैं, तो आप उस 498 के केस को सीधा कन्वर्ट करा सकते हैं एक ही तारीख पर डायवोर्स में, और वो वन साइडेड होगा, यानी आपकी पत्नी के साथ उसको कंटेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो साबित पाया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्रूअल्टी मानी जाती है पति के ऊपर। और इसके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, दुनिया भर के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने इस पर जजमेंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ आपके लिए नई इसलिए हो सकती है क्योंकि आप ज्यादातर जनरल आइडियाज को फॉलो कर रहे होंगे शायद, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ये स्पेशलाइज बात है, ये भी जनरल है पर ये आप तक पहुंची नहीं। तीसरी चीज, जहां मेंटेनेंस था उसको रिकवर करा सकते हैं 406 लगा के, जैसे कि आपकी बीवी ने स्त्री धन के लिए लगाया था, ऐसे ही झूठा पैसा अगर किसी ने आपसे गलत तरीके से ले लिया है तो वो आप रिकवर कर सकते हैं अगर आप 498 जीतते हैं। सबसे बड़ी चीज कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनका उसमें नाम है, तो अक्सर मैंने कई वीडियोस में भी देखा है, बहुत समझदार जो वकील साहब है पता नहीं ऐसी राय क्यों दे देते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता है, कि पति का नाम रहने दीजिए वो निकलेगा भी नहीं, बाकी रिश्तेदारों का नाम क्वैश करा के निकालवा लीजिए और पति को केस लड़ते रहने दीजिए, क्योंकि पति के खिलाफ तो कुछ ना कुछ तो लिखा है, रिश्तेदारों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा होता, लिखा होने से कोई किसी के ऊपर क्राइम साबित होता है। आप जब क्वेश्चनिंग में जाते हैं तो वहां पर आप एविडेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं साहब एविडेंस की बात ही मत कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे वीडियो भेजा और कहा कि इस वीडियो को देखिए तो एविडेंस की बात करने के लिए मना कर रहे हैं क्वेश्चनिंग में, तो फिर क्वेश्चनिंग किस चीज की होगी? मेरिट्स की बात मत कीजिए, उन्होंने ये कह दिया कि मेरिट्स की बात मत कीजिए, इसको मिनी ट्रायल मान लिया जाए। थोड़ा सा वो कुछ हद तक सही हो सकते हैं पर पूरी तरह से सही नहीं है। आपको वहां पर कोर्ट की और कंबाइंड अपनी बीवी की गलती तो बतानी ही पड़ेगी कि वो कहां फॉल्टी है, इन्वेस्टिगेशन कहां फॉल्टी है। अब मैं आता हूं कमाई की बात पर, सीधी बात। देखिए अगर इन्वेस्टिगेशन आपने क्वेश्चनिंग के वक्त अनफेयर मानते हुए फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, या फिर री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में भी लगवा दी, और वहां पर मान लीजिए उसमें आगे जाके वो एक बात पहले मैं समझा देता हूँ कि ये रिजल्ट कैसे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको सेम आयोग के लिए रिक्वेस्ट देनी है कि वो मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप नया आयोग अपॉइंट कीजिए, क्योंकि वो तो अपनी बात को वैसे ही रखेंगे जैसे उन्होंने पहले रखा था। अब कोर्ट के ऑर्डर से जब इस तरह से नए आयोग जब लगते हैं तो वो सबसे बड़ा फायदा ये देते हैं कि वो डरते हैं कि कोर्ट में हमारी जो है रिपोर्ट खराब हो जाएगी अगर हमने गलत इन्वेस्टिगेशन की, तो क्योंकि एविडेंस तो बेस्ड होता ही है उसके अंदर। अब एविडेंस वहां नहीं मिलेगा तो FIR लगानी पड़ेगी, तब आप पुलिस महकमे पर उस आयोग के खिलाफ केस कीजिए और कंपनसेशन की डिमांड कीजिए कि देखिए साहब ये जो पुलिस वाले हैं, या फिर आगे जाके कभी एक्विटल हो जाते हैं तब भी, तो पुलिस वाले के ऊपर आप केस कर सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा इस तरह के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैंने 4-5 वीडियोज भी बनाए हुए हैं ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स पे, कि आयोग से बकायदा 5-5, 10-10 लाख रुपए दिलवाए गए उस व्यक्ति को जो पीड़ित था और जो गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से ट्रायल का शिकार हुआ। तो आप वहां से 5-10 लाख रुपए की उम्मीद करके केस लड़िएगा। तो ऐसे नहीं है कि मतलब मैं ये कह रहा हूं, कई बार लोग कहते हैं अरे साहब आप आपका केस तो खत्म हो गया, क्यों किसी के पुलिस वालों से दुश्मनी ले ली? सरकारी नौकर किसी से दुश्मनी नहीं ले सकता, ये तो आपकी मानसिकता है कि पुलिस वाले को देख के आप लोग टाइट हो जाते हैं, आपको डर लगने लग जाता है, जिसको आप लोकल भाषा में कहते हैं कि फट जाती है, ये तो आपने सोच बना रखी है। जब किसी सरकारी नौकर के ऊपर
नौकरी का दाव लगता है ना, वो कंपनसेशन अपने आप निकलता है। कि मजे की बात यह है कि पुलिस महकमा कुछ हद तक उस पेमेंट को भुगतता है, बाकी मोटा पैसा उसी आदमी से दिलवाता है जिसने गलती की, उसकी सैलरी से कटता है पूरा पैसा। अब आपकी वाइफ ने भी ये गड़बड़ की है, तो आप उससे बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं, अपनी बहनों की तरफ से, क्योंकि वो अलग ससुराल में रह रही थी, तो उनकी तरफ से डैमेज की डिमांड करके उस पर कंपनसेशन ले सकते हैं। आप खुद अपने कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मानहानि का मुकदमा करके बकायदा 50 लाख, 20 लाख, जो आपको अपनी मान का सम्मान का जो कीमत लगती है उसको लगा सकते हैं। लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए लगा के 20-20, 25-25 लाख रुपए लिए। इन सब चीजों के जजमेंट्स हैं, ये सब चीजें हो रही हैं आपके आसपास हो रही हैं, या तो आप इन्फॉर्म्ड ही नहीं हो, या आप तक बताया या पहुंचाया नहीं जा रहा है जो भी आपके सलाहकार हैं। तो आप इस तरह की तैयारी कीजिए, और ये चलते केसेस में हो कर सकते हैं ये सब चीजें, री इन्वेस्टिगेशन वाला मैटर करवा के, और फिर उसको बीच में एक नया केस खोल दें आयोग के खिलाफ। 490 डे के बीच में नहीं करना है आपको, एक नया केस खोलना होगा पुलिस महकमे के खिलाफ, और वहां से कंपनसेशन की डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत जाती की। और इसी तरह से आप अपनी बीवी के खिलाफ भी कैरेक्टर असैसिनेशन का कर सकते हैं, कि आपको लड़कीबाज, या फिर आपको व्याभिचारी जो है, अडल्ट्री वाला रिलेशनशिप, या नपुंसक कह दिया आपको, या फिर आपके बारे में ये कह दिया कि साहब आप शराबी हैं, जबकि आप कोई शराबी है ही नहीं। तो कुछ भी जो चीज आपके बारे में की गई, आपके फादर के खिलाफ 376 लगा दिया, जो कि बाद में आयो ने हटा दिया, या फिर जैसे आयो इसमें भी फंस जाते हैं लगाने के बाद, आप लोग सोचते हैं हटा दिया राहत के लिए, नहीं, गलती हो गई आपसे। हटाने के बाद आयो पे फॉरन फायर कीजिए कि पहले लिखा क्यों, और अगर कोर्ट तक पहुंच गया मैटर तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कराइए कि 376 साबित पाया ही नहीं गया तो लगाया क्यों। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं, आपको अपने बारे में सोचना है। अगर आप अपने नुकसान के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप अंदर से अपने लिए तकलीफ पैदा करेंगे, और जब तकलीफ पैदा करेंगे तो फिर आप अटैक पे आएंगे कि मेरे साथ गलत किया क्यों गया, मुझे गलत क्यों बनाया गया, मेरी जिंदगी खराब क्यों की गई, मैं अपनी जॉब से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कईयों की जॉब चली जाती है, कईयों को सस्पेंड कर दिया जाता है, या उनके माँ बाप छिपते फिरते हैं, कई बार घर वालों को हार्ट अटैक्स तक आ जाते हैं, या फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तबीयत खराब रहने लग जाती है, भाई बहनों में आपस में झगड़े होने लग जाते हैं, रिश्तेदारियां बिगड़ जाती हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं। इन सारे नुकसानों के बारे में जब सोचेंगे तो ये सब चीजें असरदार लगेंगी। और सबसे बड़ी बात मैंने बता दिया, विदाउट एलिमनी आप तलाक ले सकते हैं। तो मेंटेनेंस का डर तो बिल्कुल खत्म कर लीजिए, अगर 490 डे के फायदे की तरफ झुकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जेल भेजने के बारे में आप सोचना शुरू कीजिए। कैसे? उसके लिए मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, जो मैंने इससे पहले ही बनाया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं, और आप यह स्क्रीन पे देख ही रहे हैं उसका थंबनेल, इसको देखिए और जाके आसान बनाइए अपनी जिंदगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा हिम्मत है करने की तो जरूर कीजिएगा, और अगर हिम्मत नहीं है तो अगला वीडियो देख लीजिएगा। यही चलता रहेगा जिंदगी में, एक जगह रुक जाइए और मजबूती से केस लड़ने की सोचिए। थैंक यू।